इंसाफ ते जमहूरियत पसंद लोक फ्रंट सद्दे ते गढ़शंकर इलाके दीआं वख-वख जनतक जमहूरियत इनकलाबी जथेबंदियां वल्लों गांधी पार्क विखे रोस रैली करन उपरंत शहर विच रोह भरपूर मुजहरा करदिआं नंगल चौंक विच केंद्र दी मोदी सरकार दा पुतला फूकिआ गिआ। आगुआं ने संबोधन विच कहा कि पिछले 70 दिनां तों मणिपुर विच दो कबीलाई फिरकिआं विच तनाव केंद्र अते राज सरकार दीआं गैर जिम्मेवाराना कारवाइयां दी शह ते इस कगार ते पहुंच गिआ है कि औरतां नूं निर्वस्त्र करके घुमाया गिआ, जबकि मनुस्मृति लागू करने वाली ताकतों ने बिना किसी डर भय तो वीडियो बना के वायरल भी कर दी। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने वाले फिरकू टोलियां किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जो पिछले दिनों दौरान मणिपुर में बहुत ही शर्मनाक घटना वापरी आदि विरोध में अज साडे गढ़शंकर दीआं समूह जिहड़ियां जनतक जथेबंदियां वालों अज रोस मुजहरा किया जा रहा है, क्योंकि ये घटना आम जिहड़ी जिहदी जागदी जमीर वाले लोगों को हरेक की जमीर झंझोड़िया आ कि भारत देश इत्थे लोगों का राज लोकतंत्र की कहा जाता है, पर अज देखो किस तरह साडियां देश दी जिहड़ियां आ बेटियां नूं किस तरह घिसा जा रहा। इस तो पहला भी आपां देख चुके हैं कि भलवान लड़कियां नाल किस तरह उन्होंने भाजपा के जिहड़े आ मुख अहुदेदार बैठे आ उन्होंने किया आ उहदे लई उन्होंने लगातार धरना ला के बैठे रहे आ, पर उन्होंने कोई इंसाफ नहीं मिलिया, जिस करके अज इन्हां जिहड़े आ गुंडे लोगों के जिहड़े हौसले वध रहे आ। पर असी अज लोक समूह इंसाफ संत लोगों को अपील करते हैं कि सानू साडा एकजुट होए तो बगैर साना नहीं हैगा, सो आप भी कोशिश करांगे कि गढ़शंकर दे विच सारियां जथेबंदियां लैके एक बड़ा फ्रंट बनाइए तां जो आने वाले समय के इस तरह की कोई घटना ना वापरे। साडा कन्याकुमारी तो कश्मीर तक जिहड़ा भी जूं दी जमीर वा उहनां नूं मणिपुर दीआं घटनावां ते नोट्स लैणा चाहीदा। उहदे च इक्को गल आ, ਉਹ ਮਤਈ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਛੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆ ਵਰਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਘਮਾਣਾ 3 ਮਈ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ 80 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਜਾਗਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਦੇਖਣਾ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੜ ਜਾਣ ਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਹਰ ਕੂਚੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸੰਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵਰਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਕਾਸ਼ੀ ਟੀਵੀ। ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਦਬਾਓ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਕਾਸ਼ੀ ਟੀਵੀ।